टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारत के अगले दो वर्ल्ड कप मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि वह टखने की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। पुणे में 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ही गेंद पर फील्डिंग करते हुए हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी। 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। एनसीए के एक सूत्र ने बताया कि हार्दिक पांड्या का उपचार चल रहा है। हार्दिक पांड्या के बाएं टखने की सूजन काफी कम हुई है, लेकिन वो इस हफ्ते के अंत तक गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। भारत अब तक अपने पांचों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी है, इसलिए हार्दिक पांड्या को अगले दो मैच के लिए आराम दिया जा सकता है, जिससे उन्हें नॉकआउट से पहले पूरी तरह से उबरने का मौका मिलेगा। बीसीसीआई ने बताया कि हार्दिक पांड्या को गंभीर मोच आई है, लेकिन सौभाग्य से फ्रैक्चर नहीं हुआ है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम अधिकतम एहतियात बरतना चाहती है। उनके अगले दो से तीन मैच से बाहर रहने की संभावना है। टीम चाहती है कि वह नॉकआउट चरण के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए। हार्दिक पांड्या का गुरुवार को फिटनेस टेस्ट हो सकता है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम इसी के आधार पर उनकी वापसी की तारीख तय करेगी। इस दौरान उनकी गेंदबाजी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और देखा जाएगा कि पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी करते हुए बाएं पैर के टखने को लेकर वो असहज तो नहीं है। भारत को अपना अगला मुकाबला चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ में और 2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका से खेलना है।